बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पटुकोण से मुतालिक इंकशाफ किया गया है कि इन्हें फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में काम की पेशकश की गई जो इन्होंने मुस्तरद कर दी थी। याद रहे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी उन्हें काम की पेशकश की गई थी जिसे इन्होंने मुस्तरद कर दिया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की ज्यूरी मेंबर दीपिका पेडोगोन को संजय लीला बंसाली की मशहूर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अदाकारा आलिया भट्ट के साथ काम करने की पेशकश की गई थी, लेकिन दीपिका ने आलिया के साथ स्क्रीन शेयर करने से इनकार कर दिया था। आपको मजीद बताते चले कि हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी काम की पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने वक्त ना होने और पहले से जारी शूटिंग की वजह से इस पेशकश को भी रद्द कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक दीपिका पटुकोण को सलमान खान की मशहूर फिल्म सुल्तान में भी दबंग खान के साथ काम करने की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने एक बार फिर मसरूफियत की वजह से ये पेशकश ठुकरा दी थी, जिसके बाद ये किरदार अनुष्का शर्मा ने निभाया था। इसके अलावा दीपिका को धूम 3 में भी काम करने की पेशकश की गई थी, मगर वो अपनी दीगर शूटिंग्स के बायस इसमें इस पर राजी ना हुई।